जय मां काते आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। मित्रों हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपको हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। 2020 के राशि फल को लेकर के मैं व्यथित हुआ हूं कि पूरा 2020 कर्क राशि वाले लोगों के लिए किस तरह रहने वाला है। कर्क राशि वाले लोग जिनका स्वामी चंद्रमा बड़ा मुलायम, सरल और तीव्र स्वभाव का होता है, तो मित्रों ये राशि किस तरह रहने वाली है और इसमें क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, इस विषय में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले जन्म कुंडली के, वर्ष कुंडली के आधार पर, जन्म कुंडली के आधार पर आपकी राशि से बृहस्पति देव छठे भाव में होंगे तथा 20 नवंबर को सप्तम भाव और मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव आपकी राशि से छठे भाव में रहेंगे धनु राशि में, परंतु 24 जनवरी 2020 को शनिदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु आपके 12वें और 6ठे भाव में रहने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी पूरे साल सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे, उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में आपके ऊपर पड़ता रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जैसे राशिफल है आपका, ग्रह गोचर है, उसके अनुसार अपने भविष्य की आप योजना बना सकते हैं। अगर पूर्व में आपको ग्रहों के बारे में निर्णय मिल जाए, ग्रह कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, क्या होने वाला है, उस विषय में अगर ऐसा कुछ हो तो आप अपनी योजना बड़ी तरीके से बना सकते हैं। मित्रों अगर बात करते हैं आपके कर्क राशि के पारिवारिक जीवन के बारे में, यानी फैमिली लाइफ, कर्क राशि के जातियों व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होगा। आप सभी आपस में अपनी खुशियां शेयर करेंगे, सभी एक दूसरे की मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। जनवरी माह में बड़े भाई से कुछ अनबन हो सकती है, परंतु बाद में ये फिर सामान्य हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही नहीं, जनवरी महीना में आपको अपने जीवन साथी से भी मनमुटाव हो सकता है। परिवार में छोटे भाई, बहन और मित्रों के साथ आपके संबंध पहले से अधिक बेहतर होंगे। इस साल के आखिरी में नया वाहन लेने के योग बनेंगे। बच्चों के पढ़ाई के ऊपर अधिक धन खर्चा करना पड़ सकता है। यदि आपके बच्चे नौकरी कर रहे हैं तो उनका स्थानांतरण यानी ट्रांसफर या विभाग से परिवर्तन हो सकता है। आपके बच्चे कोई गलत संगति में भी फंस सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है, अतः इसका ध्यान रखें, बहुत अच्छा रहेगा। साल के अंत में जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, या अगर कोई लोन लिया है आपने बैंक से या किसी व्यक्ति से, कर्जा लिया है, उस कर्जे में भी विवाद आने की संभावनाएं। और दूसरी बात, ये फलादेश राशि के ऊपर है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली क्या है, जन्म कुंडली में दशा और अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा क्या कह रही है, उस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। राशि के अनुसार घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य हो सकता है। आप अपने परिवार और मित्रों के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा, जीवन में अच्छी मिठास आएगी, जीवन मधुमेह होगा यानी प्रेम में होगा। आपको जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, परंतु उनका सहयोग करते रहना आपका कर्तव्य है, आपका ध्यान है, और उस अनबन को दूर करना भी बहुत आवश्यक है, जरूरी है। धार्मिक स्थलों की यात्रा भी हो सकती है। बात करते हैं आपके नौकरी की, जॉब, यदि आप नए नौकरी की तलाश में हैं तो आपको इस साल नौकरी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी, अर्थात आपके इंतजार का समय खत्म हो जाएगा। प्रतियोगिता और परीक्षाओं के साक्षात्कार परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। प्रतिदिन आपको पीपल देवता की पूजा और रविवार को छोड़कर शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का नियम पूर्वक शुद्ध उच्चारण करते हुए पाठ करना जरूरी है। इससे आपके रुके हुए कार्यों में जो बाधाएं आती हैं वो बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, कार्य आपके आगे बढ़ जाएंगे। आपके कार्यस्थल पर
किसी प्रकार के विवाद से बचें, संयम से काम लें, कार्यस्थान के माहौल को गंभीरता से लेना आपको चाहिए, अपने अधिकारियों से अच्छा तालमेल बना के रखें, आपके मेहनत का फल एक पदोन्नति या वेतन वृद्धि या प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको मिल सकता है। आपका ट्रांसफर भी हो सकता है या किसी कार्यवश विदेश यात्रा यानी फॉरेन ट्रेवल भी संभव है। यदि नौकरी में परिवर्तन करना चाहें तो सितंबर तक आपको रुकना चाहिए। बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की यानी वेल्थ। इस साल धन लाभ का योग बन रहा है, सोच समझ कर निवेश करें। धन प्राप्ति के अच्छे योग हैं, लेकिन जोखिम भरे कार्यों में धन बिल्कुल न लगाएं, निवेश न करें। इस वर्ष आपका जितना परिश्रम करेंगे उतना ही लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके पास जो भी आय का स्रोत है वह लगातार चलता रहेगा। आय के नए स्रोत के संबंध में योजना बनेगी और उसमें आपका पूरा सहयोग भी होगा, ये कार्य सरल और सफल भी होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में आप अपने भाई का सहयोग ले सकते हैं। अपने व्यय पर नियंत्रण रखें, सुखी रहेंगे। इस समय आप लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं, आपको इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं आपके व्यवसाय की। व्यवसाय के रूप में कर्क राशि के जो जातक हैं वो व्यवसायी तो हैं, साथ में समय की अनुकूलता को देख करके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके कारोबार में वृद्धि होगी और आर्थिक रूप से मजबूती जरूर आएगी। किसी पर तुरंत विश्वास न करें। नए कार्यों में भाग्य आपका साथ देगा, परंतु जिस कार्य में ज्यादा जोखिम है उसमें धन निवेश करने से बचें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। पैसों के लेन देन में पूरी सावधानी बरतें। बात करते हैं आपकी शिक्षा की। कर्क राशि वाले छात्रों का अगर मन अशांत रहता है या अशांत रह रहा है या मन परेशान हो रहा है, खासकर जनवरी महीने में, तो परिणाम स्वरूप आप इसमें हनुमान जी का ध्यान करें और एक बड़ा सुंदर दिव्य मंत्र है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस हनुमान चालीसा के दिव्य अद्भुत मंत्र का आप जप करें, जितना हो सके उतना अधिक से अधिक करें। इस मंत्र करने से आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी, आपका मन पढ़ने में लगेगा और परीक्षा में एकाग्रता में वृद्धि होगी। प्रतियोगिता सफलताओं में पूर्ण योग है। जो छात्र उच्च शिक्षा अथवा किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको अपने मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। साहित्य तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में पढ़ने वाले जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। तकनीकी क्षेत्र में जो छात्र शिक्षा ले रहे हैं टेक्नोलॉजी में, यानी जैसे इंजीनियर का हो गया या मेडिकल साइंस हो गया, MBA कर रहे हैं, इसमें उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपकी सफलता का मूल मंत्र है निरंतर अभ्यास। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, हेल्थ। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय आपका अच्छा रहने वाला है। पेट तथा गला से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। यदि चीनी यानी शुगर की बीमारी है आपको, तो आपको उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दवा और दुआ एक्सरसाइज इस पर भी ध्यान रखें। लीवर में सूजन आने की भी संभावनाएं हैं, ग्रहों के गोचर हैं ऐसे, तो आप तैलीय पदार्थ थोड़ा सा कम प्रयोग करें। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की यानी लव रिलेशनशिप। कर्क राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, आपका प्रेम संबंध भरपूर आनंद दे सकता है, अतः ज्यादा चिंता न करें। वर्तमान खुशी के क्षण का आनंद लेते रहें, परंतु यह सब जनवरी के बाद ही संभव है। जनवरी तो आपका तकरार या विकार या विवाद में जा सकता है। विशेष परिस्थिति में भी एक दूसरे पर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। एक दूसरे को खुश करने के लिए आप कुछ लेन देन भी कर सकते हैं, यानी गिफ्ट आदि का भी उपहार के रूप में भी। आप नई खुशी चाहने के लिए, कुछ अच्छा मन में रहने के लिए आप कहीं दूर जगहों पर घूमने फिरने भी जा सकते हैं, इससे भी आपका समय अच्छा हो जाएगा, सामंजस्य भी अच्छा बढ़ेगा और समस्याएं भी
दूर होंगी। अब बात करते हैं कि क्या करें और क्या न करें। यदि घर में सुख शांति का अभाव महसूस कर रहे हैं तो प्रतिदिन शिव पार्वती की पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। यदि कार्य में रुकावट आ रही है, हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही हनुमान जी का सिंदूरी टीका अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। यदि स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किसी ब्राह्मण के द्वारा, पुजारी के द्वारा, यानी जो कर्मकांडी है, कर्मकांड को जानता है, उसके द्वारा बृहस्पतिवार के दिन स्वयं अपने घर पर या मंदिर में जाकर के वहां करवाएं। लड़ाई झगड़े से या विवाद से बचें। घर में कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, आप उसका समाधान शांति से तथा कोर्ट कचहरी के बाहर ही करें तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, इसमें उलझे नहीं। यदि आपका चंद्रमा कमजोर है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, तो मोती रत्न धारण करें होता है। ज्यादा परेशानी है तो रुद्राभिषेक किसी वैदिक ब्राह्मण से, ब्राह्मणों के द्वारा जिनमें चार ब्राह्मण से नमः शिवाय या मृत्युंजय मंत्र का जप कराएं, एक ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक कराएं। इस विधि से आप करते हैं तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, ये रहा आपका, आपके लिए कर्क राशि का 2020 का राशिफल। मिलता हूं आपसे अगले विषय में अच्छे उपायों के साथ, अच्छे विषयों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।